दोस्तों, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक पैन कार्ड को बनाया था फ्री में, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमने पैन कार्ड बनाया था उसे हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। जो कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये पैन कार्ड हर जगह आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 2 से 3 दिन बाद आपको वेरीफाई भी करना होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग उस पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे और उसी पैन कार्ड को दोस्तों हम लोग ATM के जैसे उसे ऑर्डर करेंगे, ताकि दोस्तों ये ATM के जैसे हम लोगों को पैन कार्ड मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपये देना होगा और उसके बाद दोस्तों आप एक ATM के जैसा पैन कार्ड प्राप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने इसके पहले अपना पैन कार्ड ऑर्डर किया था बिल्कुल फ्री में, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वही पैन कार्ड को हम लोग ऑर्डर करेंगे मात्र 50 रुपये में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और क्रोम ब्राउजर पे दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे ई फिलिंग इनकम टैक्स .com। ठीक है, आप दोस्तों जैसे ही इसे सर्च करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरा माउस का सर्कल है, आप इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देना है फर्स्ट वाले बॉक्स में। नीचे वाले बॉक्स में दोस्तों आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है उसे फिल करेंगे आप। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ। आप इस कैलेंडर के माध्यम से दोस्तों कैलेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे जो आपके आधार कार्ड पे होगा। आप दोस्तों जो स्टेटस है आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है M4SNKG, इस कैप्चा कोड को आपको नीचे वाले बॉक्स में फिल करना है। अब नीचे दोस्तों आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों ये जो वेरीफाई हुए मैक्सिमम दोस्तों अब हम लोगों को 1 से 2 दिन तक वेट करना है और उसके बाद दोस्तों हम लोग एक नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग एक नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपको दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑनलाइन सर्विस .nsdl.com। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या तो दोस्तों हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने पैन कार्ड बनाया था उसका पैन का नंबर हम लोगों को इस वाले फर्स्ट वाले जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देना है और दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नाम दे देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ होगा यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। टिक करने के बाद दोस्तों ये जो कैप्चा शो रहा है, देखिए कैप्चा, इस कैप्चा को दोस्तों आपको इस पर फिल करना है इस वाले बॉक्स में। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर जैसे फिल करके सबमिट पे बटन पर क्लिक किया, हम लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर आ जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों जब आप पैन कार्ड को यहाँ पर एक PVC कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे ताकि वो PVC एकदम ATM के जैसा आपके पास आए, तो एकदम आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है सेम दोस्तों वही एड्रेस पर आपका आएगा। ठीक है, नीचे दोस्तों आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू OTP, यानी कि आप किस पे OTP प्राप्त करना चाहते हैं, ईमेल आईडी पे, फोन मोबाइल नंबर पे, कि दोनों पे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिलता है आई एग्री का ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए जनरेट OTP पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड हो चुका है। आपको उस वन टाइम पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद दोस्तों आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग वैलिडेट पे क्लिक कर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। ठीक है, या दोस्तों आप ऑनलाइन थ्रू बिल विदेश से भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 50 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर मिलता है आई एग्री द टर्म एंड सर्विस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों का पेमेंट यहाँ पर आ चुका है, हम लोग यहाँ से पेमेंट को कंफर्म करेंगे। चलिए दोस्तों पे कंफर्म के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप चाहें तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करके,
या तो दोस्तों आपको नीचे मिलता है डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल दोस्तों आपको 1 मिनट वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक स्लिप मिलेगा, आप उस स्लिप को डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेमेंट एकदम सक्सेसफुल कर दिया है। यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन, और दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप भी दोस्तों कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रिक्वेस्ट, यहाँ पर रिप्रिंट ऑफ पेन कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। नीचे आपको मिलता है जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप भी यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग वहाँ पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पेमेंट जो है दोस्तों सक्सेसफुल हो चुका है, और आप दोस्तों यहाँ से एक रिसीप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही आप अपना पेन कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और अपना पेन कार्ड यहाँ से बना भी सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।